हमने आपके बारे में पढ़ा, देखा, अभी आपसे बात हो रही है, क्या हुआ था थोड़ा बताएं आप, और किस तरह से आप पर गोलियां बरसाई गई और कैसे आप निकल के आए वहां से? सर, ये वाक्या 27 तारीख का है, पिछले लास्ट मंथ का। मैं कीव से लवीव जाने के लिए, एक वोक्जाला स्टेशन है जहाँ से सारी ट्रेन मूव होती है हर सिटी के लिए, मैं वहाँ से ट्रेन लेने के लिए गया। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ट्रेन में बोर्डिंग नहीं हो पाए। एट दी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कैब बुक करते हैं। कैब्स के रेट बहुत हाई थे, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो नॉर्मल डेज में वो 3-4 हज़ार में हो जाता है, 5 हज़ार हार्डली, बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम तीन बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए, जो तीसरा चेक पॉइंट था वहां से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके, देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो कीव सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई, तीन चार बंदे लग जैसे सामने से, मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू, AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली स्लोली डोर्स ओपन करे, मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी, लेफ्ट हैंड साइड के, एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। उसके बाद सर मेरा, हाँ जी सर बोलिए। नहीं आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सॉरी प्लीज। फिर उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया था, मेरी आंखें खुलती थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हल्का हल्का रोशनी, ठंडी हवा, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि -2 था। मेरा ब्लड भी बहुत निकला था उस वक्त, आप आराम करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 तारीख रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी, फिर डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी थी, वहां से हमने आपको रिसीव किया, 3-4 घंटे आप सड़क पे पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर इन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर, वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी में, मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें से भी बुलेट निकाल दी गई है, एंड उसको प्लास्टर कर दिया गया है। सर बिल्कुल सर, पहले से, मतलब ये लगा लीजिए कि मच बेटर है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका टच में आया आपकी फैमिली अभी? बिल्कुल सर, मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ, छतरपुर एक्सटेंशन जहाँ मैं रहता हूँ। और 2 तारीख के बाद जब मेरे को होश आया, और सबसे पहले कॉल मैंने अपनी माँ को ही की थी, उसने जैसी मेरी आवाज सुनी सर, आप समझ सकते हैं, फादर, मॉम, डैड, सबसे मेरी बात हुई, सिस्टर से बात हुई, उनको अच्छा फील हुआ, मेरे को भी मच बेटर फील हुआ, नई जिंदगी है सर। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश थी, फिर मैंने, फिर नई जिंदगी है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ अच्छा टाइम। फिर मैंने यहाँ पे भी, जब मेरे को हॉस्पिटल वालों ने होश आने के बाद मोबाइल प्रोवाइड कराया मेरा, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एम्बेसी वालों से लिंक करने की कोशिश करी, बात करनी स्टार्ट करी, तो सर वो पहले लोग पहले ही यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, यहाँ से पहले ही लवीव जा चुके हैं, तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुई थी मेरी। डेली मैं उनसे बात करता हूँ, सिर्फ यही है करेंगे करेंगे सर, अभी तक करेंगे करेंगे, और करने में बहुत फर्क होता है सर। अभी आपको कोई सपोर्ट आया अभी तक या नहीं आया? सर अभी तक तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं आया। और आपको किसी का फोन नहीं आया एम्बेसी से अभी? सर अभी तक तो कोई नहीं, सपोर्ट नहीं आया, कॉल पे मेरी बात हुई थी बस, उसके बाद उन्होंने मेरे को, अभी तक सर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एम्बेसी से मेरी सपोर्ट हो सके या कुछ। आपके चैनल के थ्रू मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि सर मैं चल फिर नहीं सकता अभी, प्लास्टर चढ़ रखा है,
सपोर्ट चाहता हूँ कि सर यहाँ से मेरे को निकाला जाए। उसके बाद सर एम्बेसी मेरे को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, जैसे लाइक अगर मेरे को कोई व्हील चेयर पर भी बैठा के बॉर्डर क्रॉस करवाए या कुछ भी करवाए, तो सर मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सब करके करवा सके, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर सर ये जिंदगी दी है सर तो मैं इसको जीना चाहता हूँ। कौन से ईयर में आप पढ़ रहे थे यहाँ पे? हाँ जी सर, मैं सर यहाँ पे आईटी स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो आईटी में फर्दर स्टडीज कर रहा था, बट ये है कि इसमें पहले हमें यहाँ की लॉ के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज में पहले फर्स्ट हमें एक क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, तो मैं लैंग्वेज में था फर्स्ट। तो अभी आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है अपना बताएंगे? सर यहाँ पे ये हॉस्पिटल का नाम है कीव क्लिनिकल हॉस्पिटल, सेंट्रल ऑफ कीव, वहाँ पे है सर। चलिए आप साहब, आपके तबियत को देखते हुए हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपका मैसेज सरकार तक पहुंचाने का, ताकि कोई आपसे जरूर जरूर कांटेक्ट करेगा, और मैं भी अपने लेवल पे हम अपने कोशिश करेंगे कि आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करे और आप वापस अपने घर लौट बिल्कुल सर, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा सर आपके चैनल के थ्रू के गवर्नमेंट को गुजारिश की जाए कि सर अभी अगर नई जिंदगी मिली है तो मैं इसको जीना चाहता हूँ, क्योंकि सर मरने के बाद चाहे चार्टर्ड भेजो चाहे सर कुछ भी भेजो वो कोई मैटर नहीं होता। नहीं, आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपकी आपकी जो खतरे से बाहर है, आपकी बुलेट निकल गई है, आप बस हौसला रखिए, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अभी तक।